कोरोना से लॉकडाउन लग गया, हॉस्टल्स, मॉल्स, बस, रेलवे सब कुछ थम गया। ऐसे में अपने गांव लौटने के लिए व्याकुल मजदूर बेचारे बोरिया बिस्तर और बच्चे लेकर पैदल ही निकल पड़े। लॉकडाउन में स्कूल भी बंद थे और सारे बच्चे अपने अपने घरों में कैद थे। गट्टू चिंकी भी घर में कैद होकर बैठे थे, ना तो उन्हें बाहर घूमने की छूट थी ना ही खेलने की। बस घर में बैठे रहो, ऑनलाइन क्लास करो, थोड़ी बहुत टीवी देखो, वीडियो गेम्स खेलो। गट्टू चिंकी, अभी अभी ऑनलाइन क्लास खत्म हुआ है ना, हर वक्त स्क्रीन के सामने रहना ठीक नहीं, टीवी बंद करो और थोड़ी देर सो जाओ। मम्मी, ये सोने का नहीं खेलने का टाइम है, आप हमें बाहर भी नहीं जाने देते हो, कम से कम हमें कार्टून तो देखने दो। गट्टू चिंकी की तरह सोसाइटी का हर बच्चा लॉकडाउन में परेशान था। हाँ यार गट्टू, तुम्हारे घर नहीं आ सकता, ग्राउंड पर भी नहीं जा सकता, सोचा था लॉकडाउन मतलब मस्ती की छुट्टियाँ, लेकिन हम तो कैद हो गए यार, पक गया हूँ, ना मस्ती कर सकता हूँ। मस्ती से याद आया, तुम लेट ज्वाइन हुए थे ना, मिश्रा सर कह रहे थे कल से ऑनलाइन क्लास एक महीने के लिए बंद होने वाला है। इस प्रकार लॉकडाउन ने बच्चों के मानों पर ही काट दिए, लेकिन जो शरारत और मस्ती ना करे उन्हें भला बच्चे कैसे कहे। ऑनलाइन क्लास से छुट्टी मिलते ही गट्टू चिंकी की मस्तियाँ शुरू हो गई। चिंकी, हम कैच कैच खेलते हैं। मैं न्यूज देख रहा हूँ ना। चिंकी चलो ना, तुम खेलो, मुझे फ्लावर पॉट पेंट करना है। गट्टू ने बॉल लिया और अकेले कैच कैच खेलने लगा, दीवार पर बॉल फेंक कर कैच करने लगा। 1, 2, 3। गट्टू, बॉल टीवी पर पड़ी तो टीवी टूट जाएगा, लॉकडाउन चल रहा है ना, ना तो कोई ठीक करके देगा ना कोई नया ला कर देगा, सोचो टीवी के बगैर हमारा लॉकडाउन कैसे कटेगा। 20, 21, 22। तभी अचानक एक कैच गट्टू के हाथ से छूट गया और सीधे चिंकी के पैंट किए हुए फ्लावर पोट्स पर जा गिरा। सारे पोट्स फर्श पर गिर गए और टूट कर चकनाचूर हो गए। गट्टू, कहा था ना मैंने बेटा। लेकिन पापा की बात पूरी होने से पहले ही गट्टू चिल्लाया, पापा बचाओ, पापा बचाओ। गुस्से में लाल मलाल चिंकी बॉल उठाकर गट्टू को मारने ही वाली थी कि गट्टू बोला, चिंकी नहीं, चिंकी, चिंकी, चिंकी। लेकिन चिंकी गुस्से में थी, उसने तेजी से बॉल गट्टू को मार फेंकी। गट्टू होशियारी से नीचे झुक गया और जो होना था वही हुआ, बॉल टीवी पर पड़ी और टीवी टूट गया। टूटा हुआ टीवी देखकर गट्टू और चिंकी अपना झगड़ा भूलकर हद से ज्यादा डर गए और पापा माथे पर हाथ मारकर हताश बैठ गए। इस प्रकार पापा मम्मी गट्टू चिंकी से तंग आ चुके थे।